May I come in, sir? Yes, sir. Pranam, sir. Pranam, sir. Take us. Thank you, sir. आपने इंजीनियरिंग की है? Yes, sir. आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर, हिंदी भाषा और साहित्य है. हिंदी भाषा और साहित्य. क्यों रखा ये हिंदी भाषा और साहित्य? क्या सोच के रखा? सर, क्लास 10 तक मैंने हिंदी में पढ़ाई की और साहित्य पढ़ने से मुझे अच्छा लगता है. इंजीनियरिंग के दौरान सर मैंने अपने टेक्निकल पेपर किए थे और बीपीएससी में भी सर ऑप्शनल के रूप में ये विषय था, लेकिन मैंने हिंदी भाषा और साहित्य का चयन किया क्योंकि सर मुझे ये पढ़ना अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये विषय मुझे सफलता दिला सकता है. एक ऐसे साहित्यकार का नाम बताइए जो साइंस ग्रेजुएट रहे हैं. सॉरी सर, ये भी ध्यान नहीं है. अच्छा, अब ये साइंस ग्रेजुएट थे और प्रयोगवाद के जनक भी माने जाते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के. रांची विश्वविद्यालय से आपने बीटेक किया है और साइकिलिंग करते हैं आप. यस सर. हिंदी भाषा और साहित्य में सर्वाधिक बेहतर एरिया यानी आपकी पसंद का एरिया कौन सा है? सर, आधुनिक काल. आधुनिक काल का मतलब क्या है? सर, आधुनिक काल का तात्पर्य है कि सर इस समय नवजागरण को नवजागरण का आगमन हो रहा था. इस समय नवजागरण से सर तात्पर्य है कि इसमें ईश्वर के स्थान पर मानवों को अधिक महत्व दिया जा रहा था सर, और भक्ति के स्थान पर सर तर्क को. सर, और आधुनिक काल में सर साहित्य की जो विधाएं है उसमें नाटक, कहानी, उपन्यास सर इनका विकास हो रहा था. ये कब तक है? 1990 तक है, 2021 तक है सर? ये अब तक का समय तक है सर. आधुनिक काल सर अब तक का समय है. अच्छा, उत्तर आधुनिक काल क्या है? सर, उत्तर आधुनिक काल सुना है ये नाम, पोस्ट मॉडर्न पीरियड? नो सर. आजकल कौन सी कैसी रचनाएं लिखी जा रही हैं? सर, अभी समकालीन रचनाएं रची जा रही है और अभी जो वर्तमान काल में सर जो चल रहा है, समाज कैसे बदल रहा है सर, इसको लेकर के रचनाएं रची जा रही है. आज प्रेमचंद होते तो क्या लिखते? सर, आज प्रेमचंद जी होते तो सर महिलाओं के बारे में भी लिखते कि आज महिलाएं किस प्रकार विकसित कर रही हैं भारत में. जैसे उन्होंने 1936 में जो रचनाएं रची, जैसे कफन या फिर गोदान की ही रचना की है सर. उस समय जो धनिया का जो कैरेक्टर है सर वो बहुत ही उम्दा रहा है. जैसे कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तभी वो विद्रोह करती थी, जो भी समाज में जो भी व्याप्त त्रुटियां थी इनका विरोध करती थी सर. अब तो महिलाएं बहुत पढ़े लिख रही हैं और अब तो इनका सशक्त प्रेमचंद होते तो खुश होते. यस सर. उनको कोई दुख नहीं होता सर. सुखांत बातें करते सर, कुछ सुखांत बातें भी करते और वर्तमान भावनाशील होते वो. किसानों की स्थिति देख करके अच्छा महसूस करते सर. थोड़ा बहुत तो सर जरूर खुश होते. कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और सर उनको वो भरते. आपने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या फर्क होता है? पहले तो साइंस बताइए, फिर टेक्नोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग. सर, साइंस सॉरी सर अभी नहीं बता पा रही हूं. ओके. टेक्नोलॉजी जो है अप्लाइड पार्ट ऑफ साइंस है और साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एम्पिरिकल फैक्ट्स. और इंजीनियरिंग इज अगेन अप्लाइड पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक. एनीवे, ये बताइए, आपने से इंटरनेट सोर्स बताया है और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है भी, ये इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? सर, जैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई और धीरे धीरे सर टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, लोगों की जरूरतें बढ़ती गई और सर एक दूसरे से जुड़ते गए, तो सर इस प्रकार धीरे धीरे इनका इन्वेंशन शुरू हो गया. आपको पता है कि इसकी शुरुआत पेंटागन से हुई, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से? सॉरी सर. पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या है जो इंटरनेट में प्रयुक्त होती है?
सॉरी सर। एनी ठीक है, कोई बात नहीं। अक्सर ये डिबेट होता है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का। यस सर। तो भारत में आईएएस का जो है सैलरी भी ज्यादा है, प्रतिष्ठा भी ज्यादा है, चांसेस ऑफ प्रमोशन भी ज्यादा है। यस सर। जबकि वहीं आईपीएस और अन्य जो ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के हैं, तो ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 का उल्लंघन नहीं है सर? इसकी उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सर जो आईएएस की जो पद होती है सर वो सर्वश्रेष्ठता वाली होती है, और उसमें सब हर तरह का जो ज्ञान चाहिए होता है सर उसके लिए है ये। और जैसे आईपीएस जैसे कि एक विशिष्ट क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता होती है सर, इसलिए। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में ये सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किया गया है? सर भारत देश अनुच्छेद 315 में सर लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। हाँ सर, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट। सॉरी सर। ये बताइए कि झारखंड आपका जन्म क्षेत्र झारखंड है? यस सर। झारखंड बनाने के लिए आंदोलन जो है वो उसका आधार क्या था अलग झारखंड राज्य बनाने का? सर झारखंड जैसे बिहार का दक्षिणी पार्ट है और वो संसाधनों से परिपूर्ण था, तो कहीं ना कहीं सर उनकी अनदेखा की जा रही थी। जैसे झारखंड सर जनजातियों वाला इलाका है, तो उनके साथ कुछ बहुत भेदभाव हो रहे थे सर, तो ये आधार रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में जल जंगल जमीन, यस सर, ये उनके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? और ये आमतौर पर चाहे नॉर्थ ईस्ट में नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो चाहे नक्सलिज्म, ये जल जंगल जमीन से कैसे जुड़ा हुआ है? सर जंगल सर उनका आधार है, वे जंगल से वे प्रकृति के पूजा भी वे करते हैं, और उनका सर पूरा का पूरा व्यवस्था ही उनसे शुरू होता है सर, वहीं पे खत्म होता है, चाहे उनकी वो जीवन की शुरुआत हो या अंतिम, तो सर उनका प्रकृति से बहुत ही प्रेम रहता है। आपने प्रकृति की बात की, क्लाइमेट चेंज क्या है, जलवायु परिवर्तन? सर जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे सर ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, औसत तापमान वृद्धि हो रही है सर, इससे प्रभावित हो रहा है हमारा एनवायरमेंट सर। ये है जलवायु परिवर्तन में सर, जैसे अनियमित वर्षा हो रही है, चक्रवातों की बारंबारता बढ़ रही है, गर्मी है तो सर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्या मानव जब से अर्थ पे आया, क्या उससे पहले जलवायु में परिवर्तन नहीं होता था? क्या उससे पहले वोल्केनिक इरप्शन या चक्रवात या सब नहीं आते थे? सर आते थे, जैसे इसके प्रभाव इसके कारण भी सर दो ही प्राकृतिक जन्य है और मानव जन्य है सर। तो जो प्राकृतिक जन्य जो कारण है वो तो प्रकृति के कारण होता है सर, तो वो रिवाइव भी कर लिया जाता है, लेकिन मानव के द्वारा जो किया जा रहा है सर वो बहुत ज्यादा किया जा रहा है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण सर ये अधिक होता है। बताइए कि हमको वोट देना है सर, हम लेफ्ट पार्टियों को क्यों वोट दें, क्या अच्छी बात है? सर सबकी अपनी, एक ही बताइए एक ही अच्छी बात कोई लेफ्ट पार्टी में होगी सर। लेफ्ट पार्टी सर, लेफ्ट थॉट, सीपीआई सीपीएम आरएसपी सर। सर ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी है सर, तो कोई एक अच्छी बात बताइए इसमें सर। ये जैसे हमारी परंपराओं को सर लेकर के चलते हैं, और अगर हमको राइट पार्टी को वोट देना है तो उसमें एक अच्छी बात बताइए सर। वे समानता को बढ़ावा देते हैं, समानता को बढ़ावा देते हैं, ये आपको लगता है? तुलसीदास ने लिखा ढोल गंवार सुदर पशु नारे, आपका क्या विचार है? सर ये तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के प्रति कुछ परंपरागत दृष्टिकोण उनकी रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जितना इस प्रकार इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्हें ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर सर ज्यादा इन्हें इस बात को सर प्रमोट किया जा रहा है, नहीं तो वे अपने समय जैसे वे मध्यकाल के समय के थे तो उस समय सामंतवाद भी तो नारी निंदक थे सर। तो सर ये ऐसे लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है सर? आधी आबादी को इतने गलत नजरिए से देखते हैं, तो आखिर ये लोग कोर्स में क्यों है, कबीर है तुलसी है सर? ये इनकी सीमा रही है, और इन्होंने बहुत से अच्छी बातों को इन्होंने उभारा अपने समय की प्रगतिशीलता के सर ये प्रदर्शक रहे हैं सर, इसलिए इन्होंने पढ़ा, इसलिए इनको पढ़ाया जाता है। आपको समाज में कौन सी ऐसी बुराई दिखती है एक महिला होने के नाते जो आप सुधारना चाहते हैं?
सर महिलाओं में अत्यधिक से सामाजिक दबाव होता है, उनसे जरूरत से ज्यादा सर उनसे अपेक्षाएं की जाती है कि आप घर में रहो, घर में बच्चे को संभालो। सर मेरी प्राथमिकता होगी कि महिलाओं को सर शिक्षित किया जाए, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए और उनका सशक्तिकरण हो। बेहतर ये नहीं होता कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में बिहार में अपना योगदान देते? सर ये हो सकता था सर, लेकिन मेरी प्राथमिकता रही है सर प्रशासन में आने की। बिहार में जो बिजली के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर एक्सेक्ट डेटा तो मुझे सर याद नहीं है, लेकिन बिहार में जैसे किन किन क्षेत्र में उत्पादन में समस्या है? सर उत्पादन में समस्या है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा सर वितरण की समस्या है। अच्छा, उत्पादन मतलब पर्याप्त होती है बिहार में? सर होती है सर, और भी उसमें बढ़ाने की जरूरत है, इसके लिए सरकार के द्वारा कदम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार की जितनी नीड है बिजली की, उसका कितना भाग बिहार उत्पादन करता होगा, आपने ध्यान दिया है? सर अभी एक्सेक्ट डेटा तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, आपने मीराबाई चानू का नाम सुना है? यस सर। कौन है ये? सर ये वेट लिफ्टिंग है, करती हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर ये मणिपुर से। मणिपुर से सर। अच्छा, तो क्या उनकी आजकल ये चर्चा में है? ये सर टोक्यो ओलंपिक जो हो रहा है सर, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता है वेट लिफ्टिंग। कितने केजी में? सर 49 केजी में। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जनसंख्या जो नीति होती है सर, ये महिला सशक्तिकरण में किस प्रकार से योगदान देगा? पॉपुलेशन पॉलिसी किसी देश की, हमारे देश की पॉपुलेशन पॉलिसी भी आप देखी होंगी, तो ये वीमेन एम्पावरमेंट में किस प्रकार से योगदान करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा? सर जनसंख्या जैसे सर TFR रेट जो होनी चाहिए सर, और 2.1 होनी चाहिए, इससे हमारे संसाधनों को भी दबाव कम होगा। क्या होता है TFR? सर टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला जो है अपने 49 ईयर तक में कितने बच्चे को जन्म दे सकती है। अच्छा, एक फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, तो महिला की प्रोडक्टिव एज क्या होती है? सर जो बेहतर माना जाता है सर, वो 25 से 30 वर्ष के बीच का माना जाता है। नहीं, प्रोडक्टिव एज में, बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस एज में महिला प्रोडक्शन कर सकती है उसका एक एज निर्धारित किया गया, जैसे आपने TFR का, तो TFR कितने वर्ष के अंतराल में निर्धारित होता है? सर 18 से 49 वर्ष के बीच। 18 से 49। की और कुछ है? सॉरी सर। अच्छा, अभी एक राज्य ने जनसंख्या नीति अपना घोषित किया सर, और उसको लेकर के बहुत चर्चा थी, कौन सा वो राज्य है? सर ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर। उसमें TFR कितना निर्धारित करने का बात किया गया है? सर 2.1। कब तक? सर 2030 तक। 2030। MMR? सॉरी सर ये ध्यान नहीं है। अच्छा, इसके पहले जनसंख्या नीति भारत सरकार की आई थी 2000 में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सॉरी सर ये ध्यान नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है सर, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है? सर प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वे समाज में जो भी समस्याएं जो होती है इन जनरल भी जो होता है सर, उन्हें वे जनता के समक्ष रखते हैं, और सरकार की जो खामियां होती उन्हें बताया जाता है, सरकार की जो अच्छी बातें होती है इनकी जो स्वतंत्रता के राइट हैं सर, क्या भारतीय संविधान में वो है, निर्धारित है? यस सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में इनको दिया गया है। 19(1) में है। अच्छा, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है? सर RTI, ये सर 2005 में इसे प्रस्तावित किया गया है। किस संविधान के तहत? सर अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत। और राइट टू एजुकेशन? सर अनुच्छेद 21 का ए। 21 ए। yes, अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने घोषणा किया है। yes, sir. और हाल में मिड डे मील बड़ी चर्चा में था, मिड डे मील में सरकार ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है क्या? सॉरी सर जी मुझे ध्यान नहीं है। मिड डे मील का क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ ऐसा आया है रिपोर्ट बच्चों
एजुकेशन पर, हेल्थ पर? इस मिड डे मील से प्रभाव पड़ा है सर, पोषण का स्तर जो हमारा वो बेहतर हुआ है। अच्छा। ये सर कुपोषण की समस्याएं भारत में बनी हुई, इवन बिहार में भी लगभग 45% बच्चे जो है कुपोषित हो रहे हैं। सर ये पोषण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। उसको दूसरा है सर, किसके फायदे हो रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनकी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। जैसे वर्तमान में सर कोरोना के कारण जो स्कूल बंद हो गए, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, पोषण पर भी पड़ा है सर और उनके एजुकेशन में भी। कर्पूरी ठाकुर का नाम आपने सुना है? यस सर। कौन थे? सर वो एक स्वतंत्रता नेता है, स्वतंत्रता सेनानी थे। सेनानी। और बिहार में उनका क्या रोल रहा सर? सॉरी सर, शायद आप समस्तीपुर से बिलोंग करते हैं? यस सर। वहीं के रहने वाले थे? यस सर। अच्छा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है? सॉरी सर। ईश्वर कहे आपसे मांगने के लिए तीन वरदान, तो क्या कहेंगे, क्या मांगेंगे? सर सुख शांति और सर समृद्धि, तीनों तीन खत्म हो गए। किसके लिए? सर सुख शांति और समृद्धि सर सबके लिए, अगर वो सब लोग रहेंगे सर तो मैं भी खुश रहूंगी। वो तो कहेंगे कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा परिणाम देंगे सर, इसलिए तो वर मांगा है सर सुख शांति। महात्मा बुद्ध ने अच्छा किया, पत्नी को छोड़ के चले गए सबके दुख के निवारण के लिए, और घर में तो पत्नी और बच्चे को छोड़ दिए सर। जिससे सर उनका जब जन्म हुआ था तभी उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी। तो सर हालांकि उनकी विवाह कर दी गई थी उनके, उसके बाद सर वे चले गए, उन्हें वैवाहिक जीवन सर नहीं पसंद आया सर, इसलिए वे चले गए। सही तो नहीं किया सर, जैसे देखा जाए तो सर एक महिला होने के नाते उस महिला के साथ तो सर बहुत सही नहीं हुआ, लेकिन अगर वो उनको बांध के भी रखा जाता सर तो वो भी बहुत खुश नहीं होती, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, जाने दिया गया सर, तो ये अच्छा ही था। आपको अपने जीवन से क्या अपेक्षा है? सर मैं जो करना चाहती हूँ सर वो मैं करूँ, ये मेरी अपेक्षा है। क्या करना चाहती हूँ? सर मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते सर मेरा उद्देश्य है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे उनका कल्याण हो, जिससे सर कि मैं अपने आप को एक महिला रचनाकर्ता नाम सर अभी वर्तमान जो काफी चर्चित है सर अनामिका, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस विषय के लिए मिला सर? किस किताब के लिए? टोकरी में। ठीक, ओके, थैंक यू सर। बैठ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने तरफ से और हम तो बताएंगे ताकि इम्प्रोवाइजेशन हो। आपसे कुछ चीजें, बेसिक चीजें पूछी गई, जैसे इंजीनियरिंग का डेफिनेशन आप नहीं दे पाए तो सरप्राइजिंग है थोड़ा। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, आपने पूरी इंजीनियरिंग कर ली, एक्सपेक्टेड है कि ये तो कम से कम डिफाइन कर पाए। साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन एंड एम्पिरिकल फैक्ट्स व्हिच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड पार्ट ऑफ साइंस। जैसे न्यूक्लियर साइंस है तो उसका बॉम्ब बनाया या रिएक्टर बनाया वो अप्लाइड हो गया और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, और इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। कंप्यूटर हो गया ना सर ने जो क्वेश्चन पूछा, आपने ठीक उल्टा जवाब दिया, लेफ्ट और राइट में आपने समानता राइटिस्ट के लिए बताया, जबकि लेफ्टिस्ट समानता की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स सुना है ना आपने, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, मजदूरों पूंजीपतियों नहीं, मजदूरों किसानों गरीबों दलितों पिछड़ों की बात कौन करेगा? लेफ्टिस्ट। और राइटिस्ट किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीयता की, स्वच्छता है, आतंकवाद है, पूरे राष्ट्र की बात करेंगे। वो बोलेंगे समाज के अंदर ज्यादा भेद ना लाए। तो जैसे भारत में बीजेपी को राइटिस्ट माना जाता है, सीपीआई सीपीएम को लेफ्टिस्ट माना जाता है, और झारखंड से आप लोग करते हैं, झारखंड मूवमेंट तो पता होना चाहिए कि ट्राइबल जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनको निग्लेक्ट किया गया। तो ये जो चीज है ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं। बाकी सर जो हिंदी एक तो ये जो है आपका कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है ना, बिहार में इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं इसको आपने देखा ही नहीं है, यही है। yes, sir. तो इसको तो एक तो देख लेना चाहिए आपको। दूसरा, आप समस्तीपुर से बिलोंग करती हैं, कर्पूरी ठाकुर के पूरे रोल को है ना, पूसा का वहाँ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसके बारे में
चीफ मिनिस्टर थे, है ना, पिछड़ा वाद के एक तरह से बिहार में जनक भी माने जाते हैं पिछड़े वर्गों के लिए। और तीसरा की पॉपुलेशन पॉलिसी तो देख लीजिएगा ठीक से, है ना, मतलब एक के TFR से काम नहीं चलेगा, है ना। और 15 से 49 वर्ष में महिलाओं की जो एज होती है उसको प्रोडक्टिव एज माना जाता है। जब TFR हम निर्धारित करते हैं तो उसमें 15 से 49 वर्ष है, है ना। अगर नहीं एग्जैक्ट जान रहे हैं तो आप वहाँ सॉरी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए। जब आप बात करें तो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट जवाब देना है या फिर उसमें सॉरी। आपने बना लिया होगा, डायरी बना लिया होगा, तो नोट कीजिए। नारी से संबंध आपसे पूछा गया कि रचनाकार, जो नाम बताया फिर रचना पर ही नहीं नोट किया होगा या नहीं याद किया होगा। नारी में कोई प्रशासक हो, नारी में कोई हिंदी से जुड़ा हुआ, भक्ति से जुड़ा हुआ, छायावाद से जुड़ा हुआ या वर्तमान से जुड़ा हुआ, वो सब सरकारी योजनाएं, ये सब थोड़ा कर लेना है। अभी आपके पास बहुत समय, थोड़ी तैयारी के साथ, ठीक है। तो तैयारी के साथ होगा तो व्यक्तित्व में क्या आएगा, तो आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा, और आत्मविश्वास आपको क्या करेगा, सफलता दिला देगा। तो यही करना है। वैसे आप अच्छा बोल रही हैं, है ना, शुरुआत आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आई। शुरुआत का आपका शुरुआती 3-4 मिनट 5 मिनट का अच्छा था, बढ़िया, ठीक है, तो उसको करना है। सर अच्छा, जो भगवान बुद्ध जो छोड़ के गए सर क्या होगा? देखिए उसमें दो बात कही कि एक तो व्यक्तिगत रूप में जहाँ तक सोच है, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, कि एक स्त्री और एक बच्चा, उसका पिता, उसका पति, तो वहां दृष्टिकोण से तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, है ना, व्यक्तिगत स्तर पर। लेकिन जब समाज का स्तर पर देखा जाए, समष्टि का दुख है तो उसके लिए, उसके बाद इसके साथ साथ कहना है कि सर जब भक्ति आंदोलन हम देखते हैं मुड़ी उसको, तो वहां कहा गया कि आप संन्यास का मतलब ये नहीं कि गृह जीवन छोड़ दे, पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन क्या सिखाता है और आधुनिक चिंतन क्या सिखाता है। कहा गया कि नहीं, संन्यास का मतलब वो नहीं है कि आप घर छोड़ दीजिए, संन्यास का मतलब है कर्म के साथ रहिए, गृहस्थ जीवन में रहिए, दाम्पत्य संबंधों में रहिए, है ना, पूरी जिम्मेवारी के साथ रहिए। तो आप कही वो 600 BC की बात थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय संस्कृति ने उसको क्या किया, वर्तन किया। कोई क्वेश्चन एक नहीं होता, आपका ध्यान रहना चाहिए कि हमको अंक लेना है, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन का जवाब देना है। बोर्ड कैसे प्रभावित होगा, जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है उसका ध्यान किस पर होना चाहिए, जैसे आप मेंस लिखते हैं ध्यान क्या रखता है, अंक कैसे मिलेगा। तो बोर्ड में भी केवल क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपका ध्यान रहना चाहिए कि हम बोर्ड को कौन सी बात से प्रभावित कर दें। ये हमको क्वेश्चन मिला है, मौका मिला है, ये नहीं कि क्वेश्चन मिला है तो केवल बता देना। समझ में आ गई बात।